पौड़ी शहर के लोअर बाजार में गणपति की मूर्ति स्थापना के साथ ही 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का आगाज हो गया है। इसका शुभारंभ सिविल लाइन से किया गया। इसी महोत्सव में स्थानीय लोगों के साथ ही तमाम व्यापारी शामिल हुए। व्यापारी संजय वर्मा ने बताया कि गणेश महोत्सव में सुबह और शाम की आरती विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। इसके अलावा यहाँ दिन भर महिला संगीत और धार्मिक भजनों का कार्यक्रम चलता रहता है। वहीं गणेश महोत्सव के अंतिम दिन 17 सितंबर को सुबह बाजार में गजानन महाराज की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद शहरवासी मूर्ति को लेकर देवप्रयाग के लिए रवाना होंगे और गंगा और अलकनंदा के संगम पर मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। स्थानीय निवासी मोहम्मद शहीद ने बताया कि वह पिछले कई सालों से लगातार गणपति महोत्सव में हिस्सा लेते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह गणपति महोत्सव के जरिए सभी को भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। सुंदी ने हमारे लिए गणेश उत्सव के अंदर भव्य तैयारी की है। 17 तारीख को विसर्जन होगा और भव्य झांकी के साथ उसको प्रस्तुत करेंगे और हम ये चाहेंगे कि उत्तराखंड के सबसे भव्य महोत्सव जो है हमारे उत्तराखंड पौड़ी से हो। भाई मेरा नाम मोहम्मद सागर है। 20 साल से मतलब लोअर बाजार में आप करते हैं, मुझे उम्र जो है 20 साल है, तो हम 20 साल से सब देख रहे हैं। तो हम भी हर साल भाईचारे से इसको मनाते हैं और हमेशा ही मनाएंगे। इस तरह हम भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। ये जो है हिंदू है मुसलमान है ऐसा कुछ नहीं है, सब हम मिल बांट के मनाते हैं, सबके भाईचारे से मनाते हैं और हमेशा ही मनाएंगे।